Beta, in the previous class, we were on page 12, okay? And हमने बात की थी कि किस तरह से रामा एंड लक्ष्मणा, दे बोथ आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. लक्ष्मणा इज ऑब्वियसली वेरी एंग्री, ही इज वेरी एंग्री विद हिज फादर. एंड वो कहते हैं कि हम दोनों मिलके, या फिर तुम आप मुझे ही आज्ञा दो, अपने भाई राम को कहते हैं, और मैं आपको वनवास जाने से रोक लूंगा. एंड देन राम उनको समझाते हैं कि ऐसे विद्रोह का कोई फायदा नहीं है, अपनी ही फैमिली, अपने ही फादर के खिलाफ इस तरह से विरोध का कोई मतलब नहीं बनता है, जिससे ये कोई धर्म की बात नहीं है. तो नाउ कंटिन्यूइंग फ्रॉम पेज नंबर 13. तो आफ्टर ही हैज स्पेसिफाइड रामा लक्ष्मण, He goes on. He went to Queen Kausalya to receive her blessing before leaving the city. Sita was expecting Rama to return in a chariot with a royal umbrella, followed by a great retinue. अब सीता को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो सीता obviously expect कर रही थी कि राम जो है king now, वो एक चैरियट पे आएंगे, एक रथ पे आएंगे जिसके ऊपर रॉयल अम्ब्रेला होगी, मतलब रॉयल रथ के ऊपर आएंगे वो, लेकिन फॉलोड बाय अ ग्रेट रेटिनू. रेटिनू मीन्स पार्टी ऑफ सर्वेंट, बहुत सारी भीड़ होगी नौकरों की भी उनके पीछे. बट नाउ शी सॉ रामा रिटर्न अलोन, अनअटेंडेड. अनअटेंडेड मीन्स विथ नो वन अराउंड, कोई भी उनके पास साथ नहीं है, अकेले ही वो चले आ रहे हैं. She noted on his face the glow of some resolve. और उन्होंने एक और चीज नोटिस की कि उनके चेहरे पर एक फिक्स्ड रिजॉल्व का ग्लो था. ग्लो मींस एक तेज था उनके ऊपर, चेहरे के ऊपर फिक्स्ड रिजॉल्व. रिजॉल्व क्या होता है? सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन, कि उनके उन्होंने कुछ डिसाइड किया है. He was thinking as he came how he could break to his beloved the news that his father had decreed that he has to go to the forest. So Ram jo hai wo soch rahe the, jaise jaise wo aa rahe the Sita ke paas, how he could break to his beloved, kis tarah se wo apni priya patni ke ko ye news sunayenge ki unke father ne kya decreed kiya hai, kya decide kiya hai ki unko वन में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा. समथिंग ट्रबल्स द माइंड माई लॉर्ड, थॉट सीता, बट वट कैन एनीथिंग मैटर सो लॉन्ग एज देयर इज आवर लव. एंड शी आस्क्ड हिम व्हाट इज द मैटर. तो कहते क्या कोई परेशानी है माई लॉर्ड, क्या कुछ परेशानी है, और कुछ भी अगर परेशानी हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, व्हेन देयर इज आवर लव, वी लव ईच अदर सो मच, तो व्हाट इज द मैटर, क्या बताइए क्या रीजन है. व्हाई डू यू लुक सो स्ट्रेंजली, आप मुझे ऐसे अजीब तरीके से क्यों देख रहे. रामा टोल्ड द स्टोरी ब्रीफली, तो उन्होंने सब बता दिया सीता को. एंड देन ऐड, प्रिंसेस माय लव, आई कैन वेल इमेजिन योर सॉरो एट माय पार्टिंग कंपनी विद यू. मैं समझ सकता हूँ कि मेरे से पार्ट करने में, पार्टिंग कंपनी मीन मुझसे अलग होना, मेरे से अलग होने का जो दुख है मैं समझ सकता हूँ क्या तुम्हें तुम पे बीतेगी. किंग जनक्स डॉटर रिक्वायर्स नॉट माय गाइडेंस इन परफॉर्मिंग हर ड्यूटी. तो किंग जनक इज सीताज फादर, तो कहते हैं महान जनक जो राजा है उनकी बेटी को मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि उनकी ड्यूटी क्या है, क्या उनको करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में. बी थॉटफुल ऑफ द कम्फर्ट ऑफ द किंग एंड द थ्री क्वींस योर मदर. तो अपनी सबका ध्यान रखना है तुम्हें. Do not expect any better treatment than that given to the other princesses in the palace. Now he is talking generally, उनको समझा रहे हैं कि मेरी absence में तुम्हें कैसे रहना है, क्या करना है. तो जैसे बाकी princesses, जैसे बाकी भाइयों की बीवियों के साथ भी treatment होता है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा. ये मत समझना कि मुझसे कुछ better होगा treatment because you know he is the wife of the youngest brother, sorry eldest brother. Be respectful to Bharata, who will be the ruler, and
गार्ड अगेंस्ट एनी ऑफेंस टू हिज फीलिंग्स। और भरत जिसको भी राजा बनाया जा रहा है, डू नॉट बी रूड टू, डू नॉट बी रूड टूवर्ड्स हिम, एंड किसी भी तरीके की कोई ऑफेंस, कोई गलती नहीं करो, सॉरी, गार्ड अगेंस्ट एनी ऑफेंस टू हिज फीलिंग्स। ऑफेंस मीन्स हर्ट, सो डू नॉट हर्ट हिज फीलिंग्स इन एनी वे। योर लव फॉर मी आई ट्रस्ट विल नॉट ग्रो एनी लेस ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। हम जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, लेकिन इस एब्सेंस में, मेरी अनुपस्थिति में, मुझे पता है कि हमारी रिलेशनशिप में, हमारे रिश्ते में कोई चेंज नहीं आएगा। आई शैल रिटर्न फ्रॉम फॉरेस्ट आफ्टर दीज 14 ईयर्स। तो मैं ये 14 सालों बाद वापस आ जाऊंगा जंगल से। अब जब सीता ने ये सब सुना तो वो बोली, अ फाइन स्पीच यू हैव मेड, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने, ओ नोअर ऑफ धर्मा, धर्म के ज्ञाता। इट इज टू मी अ स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन दैट अ वाइफ इज डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड दैट हिज ड्यूटी इज नॉट हर्स। ये मुझे बहुत ही स्ट्रेंज, अजीब डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मीन्स कानून, अजीब, ये तो मैंने कानून सुना है कि जो बीवी है उसका धर्म जो है, इट इज डाइवर्स, डाइवर्स मीन डिफरेंट दैन हर हस्बैंड धर्म। तो दोनों का धर्म अलग तो नहीं हो सकता, ड्यूटी भी अलग नहीं हो सकती, एंड दैट हिज ड्यूटी इज नॉट हर्स। तो उसको जो सजा मिली है या जो उसको काम मिला है, उसकी बीवी का भी वही काम होता है, मैं तो यही समझती हूँ, एंड दैट शी हैज नो राइट टू शेयर। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि मैं आपके दुख को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर नहीं कर सकती। आई कैन नेवर एक्सेप्ट इट, मैं ये बात नहीं मानूंगी। आई होल्ड द कमांड ऑल्सो, सॉरी, आई होल्ड दैट योर फॉर्चून्स आर माइन, एंड इफ रामा हैज टू गो टू द फॉरेस्ट, द कमांड ऑल्सो इंक्लूड्स सीता हु इज अ पार्ट ऑफ हिम। तो अगर मैं सुख में आपके साथ हूँ, अगर मैं आपके किंगडम में ऐसी कंफर्टेबल लाइफ जी सकती हूँ, तो मतलब अगर आपकी अच्छी फॉर्च्यून में मैं आपके साथ हूँ, तो अगर आप अभी जंगल में जा रहे हो तो वो भी, उसमें मैं भी आती हूँ, इस कमांड में भी, इस कमांड क्या होती है, कमांड इज बेसिकली ऑर्डर, इस ऑर्डर में भी मैं शामिल हूँ, क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ यू, तो मैं भी आपका एक हिस्सा हूँ। आई शैल वॉक इन फ्रंट ऑफ यू इन द फॉरेस्ट। नाउ शी इज ट्राइंग टू कन्विंस हिम, राम अपने हस्बैंड को वो कन्विंस कर रही है कि मैं आपके आगे आगे चलूंगी जंगल में, एंड ट्रेड ऑन द थॉर्न्स एंड द हार्ड ग्राउंड टू मेक देम स्मूथ फॉर योर फीट। तो मैं आपके आगे आगे चलूंगी, रास्ते में जो भी कांटे आएंगे, मतलब जो भी थॉर्न्स मीन्स कांटे, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन पर ट्रेड करूंगी, ट्रेड मीन्स टू वॉक, आई विल वॉक ऑन द थॉर्न्स, उन कांटों पे चलूंगी, सो दैट आपके लिए ग्राउंड जो है, रास्ता है, स्मूथ हो जाए। कहने का मतलब, आई विल बी विद यू एंड आई विल सर्व यू, डू नॉट थिंक दैट आई एम ऑब्स्टिनेट, ऐसे मत सोचना कि मैं अभी जिद कर रही हूँ, आई एम हेड स्ट्रॉन्ग, नो, माई फादर एंड मदर हैव इंस्ट्रक्टेड मी इन धर्म, वॉट यू टेल मी इज टोटली अपोज टू वॉट दे हैव टॉट मी। तो ये मत समझना कि मैं जिद्दी हूँ और मैं आपकी बात नहीं मान रही हूँ, मुझे मेरे माता पिता ने जो सिखा के भेजा था, इंस्ट्रक्ट करके भेजा था, वो क्या था, धर्म की बात, और जो आप अभी मेरे को करने को बोल रहे हो, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू वॉट दे टॉट मी, जो उन्होंने सिखाया ये तो बिल्कुल भी नहीं है ये बात। टू गो विद यू वेर एवर यू गो इज माई ओनली गोल, तो मुझे तो यही पता है, जहां भी आप जाओगे वहीं पे मैं जाऊंगी। इफ यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट टूडे, देन टूडे आई गो विद यू, देर इज नो रूम हियर फॉर एनी डिस्कशन, डू नॉट थिंक दैट आई कैन नॉट बियर द फॉरेस्ट। तो मैं आपके साथ ही चलूंगी, नो रूम फॉर डिस्कशन, मतलब नो स्कोप फॉर डिस्कशन, इसमें तो कोई डिस्कशन की बात ही नहीं है। ऐसे मत समझिए कि मैं एक राजकुमारी हूँ और मैं जंगल में नहीं सर्वाइव कर पाऊंगी। विद यू बाय माई साइड आई विल बी जॉयस, इट विल बी अ जॉयस हॉलीडे। तो अगर आप मेरे साथ हो तो वनवास जो है वो एक तरह का इंजॉयमेंट होगा मेरे लिए, इट विल बी नाइस फॉर मी। आई विल नॉट बी अ सोर्स ऑफ ट्रबल, और ये भी मत समझिए कि मैं आपको परेशान करूंगी जंगल में।
आई विल ईट फ्रूट्स एंड रूट्स लाइक यू, जो आप खाओगे जंगल में जो अवेलेबल है मैं भी वही खाऊंगी, एंड आई विल नॉट लैग बिहाइंड एज वी वॉक। और ऐसे भी मत समझना कि आपका सफर मेरी वजह से खराब हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगी। आई विल नॉट लैग बिहाइंड, आई विल नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड जब हम जंगल में चल रहे होंगे। सो शी हैज प्रेजेंटेड ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स, शी इज ट्राइंग टू कन्विंस हर हस्बैंड कि वो उनको भी साथ ले जाए। आई हैव लॉन्ग विश टू गो टू द वुड्स विद यू, ये भी सीता ही बोल रहे हैं, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं जंगल में आपके साथ ही जाऊँ, सॉरी मैं जंग आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू द जंगल एंड रिजॉइस एट द साइट ऑफ ग्रेट माउंटेन्स एंड रिवर। आई वॉन्टेड टू सी ऑल दिस। I will spend the time most happily among the birds and flowers, bathing in the rivers and doing the daily rites. So, ye sab cheeze main karungi. Away from you, I do not care for heaven itself. So, jungle mein aapke saath jaungi to sab mere liye wo bahut acha hoga. Aur agar main if I am left behind, agar aap mujhe yahi pe chhod dete ho, apne se alag, away from you. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं अगर हेवन में भी हूँ, पैराडाइज में भी हूँ, स्वर्ग में भी हूँ, आई विल डाई, मैं तो मर जाऊंगी आपके बिना। आई इम्प्लोर यू टू टेक मी विद यू। आई इम्प्लोर मीन्स आई प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे साथ ले जाओ, मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। डू नॉट फोर्स टेक मी नाउ, डू नॉट लीव मी नाउ, अब मुझे छोड़ के अकेले छोड़ के मर जाओ। नाउ शी हैज सेड व्हाट ही वांटेड टू से। Sita's eyes filled with tears, she continued. Tigers, lions, bears, snakes, none of them will come near me. They will flee at the sight of you. So, agar aap mere liye pareshan ho ki main isko jungle mein, aisi jungle jaisi daravni jagah pe kaise le jaun, to uske jawab mein wo kehti hain ki ye jitne bhi jungli janwar hain, ye mere paas bhi nahi aa sakte, mujhe chhu bhi nahi sakte. They will flee. Flee means run away. तो भाग जाएंगे आपकी साइट से ही, आपको एक नजर देखते ही। The sun, the rain, the wind, the hunger and the thorny shrub you speak of, I will endure cheerfully. तो ये सारी जो मुसीबतें हैं, thorny shrubs mean जो कटीली झाड़ियां हैं, ये सारी जो मुश्किलें आप कह रहे हो वो मैं सब कुछ endure कर लूंगी, सहन कर लूंगी cheerfully, हंसते हंसते। I am not in the least afraid, and on the other hand, you be certain that life will depart from this body of mine if you leave me here and go. मैं किसी भी चीज से डरती नहीं हूँ, और एक बात आप जान लीजिए, you be certain means believe me on this, that अगर आप मुझे छोड़ के जाते हो then life will depart from this body of mine. तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, I will surely die. She sent for the poor and gave away all her belongings and prepared herself for the life in the forest. Now if you have seen Ramayana, agar ya fir aapne padhi hai to aapko pata chalega ki jungle mein jane se pehle bhagwan Ram ne bhi apne sare jo bhi kimti gehne the, whatever you know costly belongings he had, unhone sab tyag kar diya tha. Usi tarah se Sita is doing the same here. तो उन्होंने सब जो उनके गहने थे, बिलोंगिंग्स थी, जो भी कॉस्टली चीज़ें थी वो गरीबों में बांट दी और जंगल में जाने की तैयारी करने लगी। लक्ष्मणा आल्सो डिसाइडेड टू गो विद हर ब्रदर। तो भाई ने भी कहा कि मैं भी नहीं यहाँ पे रहूँगा, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। एंड बी द सर्विस, बी ऑफ सर्विस टू हिम, तो आपकी सेवा करूँगा जंगल में। एंड रामा हैड टू अग्री। द थ्री वेंट टू टेक लीव ऑफ द एजेड किंग। तो अपने पिता, अपने बूढ़े पिता की का आशीर्वाद लेने के लिए वो चल पड़े। इन द स्ट्रीट्स एंड ऑन द बालकनीज ऑफ द वर द क्राउड्स ऑफ पीपल लुकिंग ऑन थ्रू द विंडोज एंड फ्रॉम द टेरेसेस ऑफ द मैंशंस मैन एंड वुमेन सॉ रामा एंड लक्ष्मणा द एंड प्रिंसेस सीता प्रोसीड ऑन फुट लाइक द पुअरेस्ट इन द लैंड। तो जहाँ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉरोनेशन और राम का राज तिलक, वहाँ पे वो चल रहे हैं बेयर फूट, नंगे पांव चल रहे हैं वो रास्ते में, और लोग उनको अपने घर की छतों से देख रहे हैं।
and they are looking like the poorest in the land. They do not look like princes and princesses. They look like looking like poor people. जैसे गरीब से गरीब लोग हैं उनके राज्य में. They are looking like that. So that is the chapter, beta. I hope